दोस्तों, अगर आप में से भी किसी कैंडिडेट ने सीटेट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर दिया है और फॉर्म को अप्लाई करने के कुछ दिन बाद उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, डियर एप्लीकेंट फॉर एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिया गया होगा, ए डिस्क्रिपेंसी हैज बीन फाउंड इन योर अपलोडेड स्कैंड इमेजेस, काइंडली विजिट, यहाँ पर वेबसाइट दे रखी होगी, एंड रिमूव द इमेज डिस्क्रिपेंसी सीटेट दिसंबर 2022। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ मैसेज आपके पास भी आया है तो समझ जाइए भैया, आगे चल के आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने जो यहाँ पर फोटो या फिर सिग्नेचर वगैरह जो अपलोड किए हैं वो इनके मुताबिक आपने नहीं किए हैं। वैसे मैंने इमेज और सिग्नेचर से रिलेटेड अलग से एक वीडियो बना दी थी, जहां पर मैंने बताया था किस तरीके की आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, कैसे आपको यहाँ पर साइन अपलोड करने हैं, क्योंकि कई बार फोटो और साइन की वजह से यहाँ पर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है सीटेट दिसंबर 2022 का। और सिर्फ दिसंबर 2022 की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, अगर आप आगे चल के फ्यूचर में भी कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके सामने ये वाला मैसेज आया तो समझ जाइए भैया, आगे चल के आपका वो वाला फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। तो क्या करना है आपको, मैं आपको पूरी प्रोसेस बता दूंगा इस वीडियो में, ताकि आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट ना हो और आपने जो यहाँ पर इमेज और सिग्नेचर वगैरह अपलोड किए हैं वो आपके सही हो जाए और आपके फॉर्म में कोई आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा, और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आगे भी आपको ऐसी आगे चल के जॉब्स और वैकेंसी रिलेटेड अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऐप की जानकारी देना चाहूंगा, अगर आप में से भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करता रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक ऐप की लिंक डाल रखी है, उसको आप अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई प्रोडक्ट मंगाना है अमेज़न से, अब मैं डायरेक्ट इस ऐप को ओपन करूंगा, यहाँ पर भी मुझे अमेज़न फ्लिपकार्ट वगैरह के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पर मैं अमेज़न पर जाकर वो प्रोडक्ट सर्च करके मंगा सकता हूँ। अब अगर मैं इस ऐप के थ्रू मंगाऊंगा अमेज़न ओपन करके, तो ये ऐप डिटेक्ट कर लेगा और ट्रैक कर लेगा क्या मैंने सामान मंगाया है, और उस पर कुछ रेफरल अर्निंग वगैरह, यानी कि कुछ एक तरीके से बोलूँ तो कमीशन वगैरह यहाँ पर इस ऐप में लौट कर आ जाएगा, जो कि आपके इसके वॉलेट में इकट्ठा होता रहता है, और जब वो 200-250 रुपए के आसपास हो जाए तो इसके बाद आप इसे कमीशन को विड्रॉल कर सकते हैं बड़े आराम से, ये अमेज़न पे में चला जाता है और उसका आप आगे चल के यूज कर सकते हैं रिचार्ज वगैरह में और कोई सामान वगैरह मंगाने में। तो काफ़ी अच्छा और काम का ऐप है, आप जितनी भी इससे शॉपिंग वगैरह करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर पैसा बचाने का मौका मिल जाएगा, और इस ऐप के थ्रू कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह भी नहीं लगता है, तो फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, अगर हमारे पास भी या फिर आपके पास भी ऐसा कुछ मैसेज आया है तो समझ जाइए आपकी फोटो या फिर सिग्नेचर में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पर हुई है। तो क्या करना है आपको, अगर आपको फोटो सिग्नेचर में अपलोड करने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रोसेस बता देता हूँ। वैसे ज्यादातर मैंने प्रोसेस दूसरी वीडियो में बता रखी है, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और इस वीडियो के आखिरी में भी आपको उस वीडियो की लिंक मैं लगा दूंगा, तो जिसके थ्रू आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे आपको फोटो लगानी, कैसे सिग्नेचर लगाने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, तो जिस रजिस्ट्रेशन नंबर से मेरे पास मैसेज आया था उसका मैंने आईडी पासवर्ड यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। अब नीचे जब आप यहाँ पर लॉगिन करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर लिखकर आएगा ए डिस्क्रिपेंसी हैज बीन फाउंड इन योर अपलोडेड स्कैंड इमेजेस, इसका मतलब यहाँ पर जो हमने इमेजेस अपलोड कर रखी है उसमें कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी इनको मिली है, इस वजह से इन्होंने हमारे पास मैसेज डाला है। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव इमेजेस डिस्क्रिपेंसी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपके सामने फोटो लगी होगी और सिग्नेचर लिखे होंगे, और यहाँ पर एक रेड कलर में नोट लिखकर आ रहा होगा फोटोग्राफ इज नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन, यानी कि फोटो जो आपने यहाँ पर अपलोड कर रखी है वो आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, फोटोग्राफ को हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, सिग्नेचर में नहीं आई। अगर सिग्नेचर में आती तो यहाँ पर सिग्नेचर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दे रखे होते, तो सिग्नेचर में हमारे पास कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आई है। और देखने का एक तरीका ये भी है दोस्तों, यहाँ पर आपको एडिट का बटन मिल जाएगा, जिसके नीचे यहाँ पर आपके दिक्कत आई होगी उसके नीचे आपको यहाँ पर एडिट का बटन दे दिया जाएगा उस चीज को चेंज करने के लिए। तो हमारे फोटो के नीचे यहाँ पर एडिट का बटन दे रखा है, एडिट फोटोग्राफ का आपको ऑप्शन देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, तो हमें इसका मतलब फोटो को एडिट करना है और फोटो को चेंज करना है। अब हमें एडिट को फोटोग्राफ पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे और जो हमारे पास फोटो वगैरह डली होगी उस फोटो को हमें यहाँ पर अपलोड कर देना है। फोटो को अपलोड करते टाइम दोस्तों आपको एक बात का खास ख्याल रखना है, जो आपने पहले फोटो अपलोड की है आपको उस फोटो को दोबारा से अपलोड नहीं करना है, नहीं तो आप फोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी और दोबारा से यहाँ पर आपके पास कोई मैसेज नहीं दिया जाएगा। अगर आपने फिर से मतलब गलत सलत उल्टी सीधी फोटो यहाँ पर लगा दी है, फोटो या धुंधली वगैरह है, अगर आपने दूसरी बार में भी यहाँ पर ऐसी कोई फोटो लगा दी है तो दोबारा से ये लोग मैसेज नहीं डालेंगे, सीधा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। तो दूसरी बार में अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आया तो दूसरी बार में बिल्कुल अच्छे से आपको फोटो लगाना, ध्यान रखना है आपको इस बात का, फोटो आपकी व्हाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए और उस पर नाम डेट डालना वैसे भी कोई कंपलसरी नहीं है, तो आपको व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है, घूंघट वगैरह नहीं होना चाहिए, अगर कोई लेडीज वगैरह है और जेंट्स वगैरह है तो सर पर कोई कपड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। फोटो को प्रीव्यू कर लेना, यहाँ पर फोटो आपकी नजर आ जाएगी, इसके बाद नीचे टिक लगाने का ऑप्शन आएगा, क्लिक हियर फॉर, उस पर आपको डिक्लेयर कर देना है और अपलोड फोटोग्राफ पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी पुरानी फोटो ऊपर लगकर आ जाएगी, सिग्नेचर बगल में लगकर आ जाएंगे और जो नीचे आपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किए होंगे वो आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। बस इसके बाद आपको आगे कोई प्रोसेस नहीं करनी है, आपकी नई वाली फोटो या फिर जो भी आपने यहाँ पर जिसमें डिस्क्रिपेंसी आपकी आई थी वो यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं,
और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम वगैरह चल रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, चाहे तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा दोस्तों आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। देर हो जाती है दोस्तों क्योंकि दिन में करीब 100-150 मेरे पास मैसेज वगैरह आते हैं, कमेंट्स वगैरह भी आते हैं, तो इतने रिप्लाई नहीं हो पाता है। मुश्किल से 4-5 लोगों को मैं कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करता हूं, जो कि मुझे लगता है जरूरी है। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही, तो जैसे कि मैंने आपको बताया उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी, लिंक आपको उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चाहे तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पर मैंने पूरी प्रोसेस बता रखी है स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, किस तरीके से आपको यहाँ पर साइन अपलोड करना है। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हुए भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना कुछ एरर आ रहा है आपके सामने, तो इसके लिए आप नीचे वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।